बहुत कदीम जमाने से जानते हैं, लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैग्नेट्स के अंदर ऐसा क्या है जो एक मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। तो आज हम जानेंगे इसी की वजह। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आज के आर्टिकल का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि हम देखेंगे कि जो सॉलिड्स हैं उनमें से कुछ सॉलिड जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और कुछ नहीं करते। तो जो करते हैं उनके पीछे क्या वजह है और जो नहीं करते उनकी क्या वजह है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एम्पियर इस बारे में क्या कहता है। देखिए, एम्पियर ने अपनी जो थ्योरी दी वो जरा एक नजर देखते हैं। उसने कहा कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग सोलेनाइड हो तो उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी एम्पियर ने हमें यह बताया पहली दफा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ मैग्नेट्स के गिर्द नहीं होता बल्कि जहां करंट पास कर रहा होता है वहां भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उसने मिसाल दी कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग सोलेनाइड है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहां पर बनाया। और फिर उसने कहा कि अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट हो जो लेंथ में थोड़ा ज्यादा हो, जिसे हम लॉन्ग बार मैग्नेट कहते हैं, तो लॉन्ग बार मैग्नेट को अगर हम देखें तो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे करंट कैरिंग सोलेनाइड के गिर्द। तो ये सिमिलैरिटी बड़ी अजीब थी और इंसान सोचेगा कि ये सिमिलैरिटी की वजह क्या हो सकती है कि एक लॉन्ग बार मैग्नेट यानी एक मैग्नेट के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की वजह से जो सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सेम कैसे हो सकता है। इसी तरह से उसने दूसरी बात ये की कि अगर आप गौर करें, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप हो, ठीक है, सोलेनाइड और लूप में क्या फर्क होता है, सोलेनाइड में बहुत सी टर्न्स होती है, देख रहे हैं आप लोग, लूप में एक टर्न होती है लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप देखें अगर आपके पास टर्न होगी तो करंट ऐसे मूव करेगा, तो क्योंकि वो प्लेन से बाहर आएगा तो वो मैं यहां शो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहां डॉट बनाया। डॉट का मतलब करंट बाहर को आएगा और नीचे क्रॉस का मतलब करंट अंदर को जाएगा, यानी कि करंट इस तरह से एक लूप में सर्कुलर मूव करेगा। है तो करंट, उसके मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, तो करंट कैरिंग लूप यानी एक ऐसा लूप जिसमें से करंट पास कर रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखता है। एम्पियर ने यह कहा कि अगर आपके पास एक मैग्नेट हो जो कि लेंथ में ज्यादा नहीं है, यानी शॉर्ट बार मैग्नेट हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहां से हमारे पास एम्पियर ने बेसिकली ये पॉइंट मेक किया कि अगर हमारे पास करंट की वजह से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जैसा है, तो कहीं मैग्नेट के अंदर भी चार्जेस की मोशन तो नहीं है जिसकी वजह से ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्योंकि यहां तो चार्जेस की मोशन है, यहां तो करंट है। तो यहां से उसने ये आइडिया दिया कि शायद मैग्नेट्स के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वजह अंदर कोई चार्जेस की मोशन है। ठीक है, तो ये बात देखते हैं एम्पियर का व्यू क्या है। एम्पियर ऑब्जर्व्स दैट फील्ड ऑफ अ लॉन्ग बार मैग्नेट इज जस्ट लाइक द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनाइड, यानी लॉन्ग बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक जैसे ही उसने ऑब्जर्व किया। एंड द फील्ड ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट, यानी ये रिजेंबल्स बिल्कुल एक जैसा लगता है दैट ऑफ अ सिंगल लूप, करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक फील्ड जैसा लगता है। This similarity between the field, ये जो fields के दरमियान similarity है, इसका field जैसा लगता है, इसका field जैसा लगता है। The similarity between the field produced by the magnets and current urges him to think, उसने इसको सोचने पर मजबूर किया that all magnetic effects may be due to circulating currents, यानी moving charges। तो उसने कहा क्योंकि यहाँ magnetic field जो है वो moving charges की वजह से है, current की वजह से, तो शायद फिर magnet के अंदर भी कोई currents है, और क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से, मूविंग चार्जेस की वजह से है, तो इससे मिलता जुलता फील्ड बन रहा है, तो शायद इसके अंदर भी हमारे पास मूविंग चार्जेस यानी कि करंट होंगे। तो ये एम्पियर का व्यू था। ठीक है, एम्पियर ने कहा कि मैग्नेट्स के अंदर कहीं सर्कुलेटिंग चार्जेस तो नहीं है, लेकिन एम्पियर के व्यू को इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली। उसकी वजह क्या थी? दिस आइडिया वाज नॉट कंसीडर्ड वेरी सीरियसली इन एम्पियर्स टाइम। एम्पियर के वक्त में इस आइडिया को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज नॉट नोन, क्योंकि उस वक्त हमें यह नहीं मालूम था कि एटम के अंदर क्या होता है। अब तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं पता था। टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, अगर अब हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर जानते हैं कि अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर अब हम उसको कंसिडर करें तो डिस्कवर्ड ये हुआ है, डिस्कवर्ड देयर आफ्टर द एम्पियर्स व्यू अपीयर्स टू बी बेसिकली करेक्ट। यानी आज हम अगर देखें, जब हम एटम का स्ट्रक्चर जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है, तो आज हम ये कह सकते हैं कि वाकई एम्पियर ने वो बात बिल्कुल ठीक की थी। एम्पियर के वक्त में उसकी बात को ठीक नहीं माना गया, इतना ज्यादा उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, क्योंकि उस जमाने में अगर हम देखें तो हमारे पास एटम का जो स्ट्रक्चर था वो डिस्कवर नहीं हुआ था। तो अब ये तो हो गया एम्पियर का व्यू। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न व्यू इस बारे में क्या कहता है कि अगर एक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है या मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो एटॉमिक लेवल पर उसकी रीजन क्या है, कौन है उस मटेरियल के अंदर जो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह बन रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं मॉडर्न व्यू क्या कहते हैं इस बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि मॉडर्न व्यू क्या कहते हैं। एज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्या है, मोशन ऑफ चार्ज। तो अगर किसी मटेरियल के जो एटम्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर हम ये कहेंगे मॉडर्न व्यू में कि शायद उस मटेरियल के अंदर मोशन ऑफ चार्जेस है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन एक एटम के अंदर दो ही चार्जेस होते हैं, या इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। तो पहले हम चेक करेंगे क्या क्या न्यूक्लियस की मोशन तो नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है किसी भी मटीरियल के अंदर, और इसी तरह से फिर हम ये देखेंगे कि कहीं इलेक्ट्रॉन तो नहीं है जिसकी वजह से कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस मटेरियल के अंदर। तो बेसिकली हम वजह जानेंगे कि एक मटेरियल अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके अंदर असल में मैग्नेटिक फील्ड का रिस्पॉन्सिबल है कौन, न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात हम लोग देखते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज तो रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन एक एटम के अंदर कौन से चार्जेस होते हैं। एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, एंड अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेट अस एनालाइज द मैग्नेटिज्म ड्यू टू द मोशन ऑफ दीस चार्जेस। तो हम देखेंगे कि इन चार्जेस में कौन रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने के लिए।
तो पहले हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं मैग्नेटिज्म ड्यू टू द न्यूक्लियस। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की मोशन से है, तो मैंने जो पहला चार्ज आपके सामने यहां पर सोचा है वो न्यूक्लियस है, तो उसकी दो किस्म की मोशंस पॉसिबल हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा दोनों ही होंगी, वो तो अब हम एनालाइज करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सी है और कौन सी नहीं है। लेकिन अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको रिसर्च करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस की दो किस्म की मोशंस हैं, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन ऐसे है जैसे जमीन सूरज के गिर्द एक ऑर्बिट में मूव करती है, और स्पिन मोशन ऐसे जैसे लट्टू अपनी जगह पर अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहां पर हम देखते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियस। हम क्योंकि फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, और सॉलिड में आप लोग जानते हैं कि एटम एक दूसरे के साथ इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि एक एटम अपनी जगह से ज्यादा मूव नहीं कर सकता, तो न्यूक्लियस का ऑर्बिट में मूव करना तो किसी तौर मुमकिन ही नहीं हो सकता। और जब वो किसी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकते तो हम कहेंगे कि भाई मैग्नेटिज्म उसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन सिरे से है ही नहीं, ठीक है। तो एज इन सॉलिड्स एटम्स आर टाइटली पैक्ड एंड न्यूक्लियस कैन नॉट हैव ऑर्बिटल मोशन, न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से ऑर्बिट में मूव कर ही नहीं सकता। सो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है न्यूक्लियस की ऑर्बिटल मोशन की वजह से। अब बाकी बात रहेगी न्यूक्लियस की ये वाली स्पिन मोशन, जैसे लट्टू अपने एक्सिस पर स्पिन करता है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस अपने एक्सिस पर स्पिन कर सकता है, क्योंकि उसके लिए अपनी जगह छोड़कर आगे पीछे मूव तो नहीं करना पड़ता, वो तो जस्ट अपने एक्सिस पर स्पिन करना था, तो न्यूक्लियस स्पिन कर सकता है। लेकिन हमने ये देखा कि न्यूक्लियस की स्पिन इतनी कम है कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है थोड़ा सा, वो इतना कम है कि हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ना होने के बराबर, ठीक है। तो पहली वाली मोशन तो थी नहीं ना, लेकिन दूसरी वाली मोशन होती है, लेकिन उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इतना वीक होता है कि हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। The charged nucleus itself spins, giving rise to a magnetic field. The charged nucleus है, वो भी spin करता है और उसकी वजह से एक magnetic field बनता है. However, ताहम, it is much weaker than that of the orbital electron. लेकिन electron के मुकाबले में अगर उस magnetic field को compare करें तो वो इतना कम है कि हम उसको थोड़ी देर के लिए ignore कर देते हैं. So, magnetic field due to spin motion of nucleus can be neglected. तो देखिए, हुआ क्या? न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे थे हमने, न्यूक्लियस की दो मोशन अज्यूम किए, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन। ऑर्बिटल सिरे से थी नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ, स्पिन मोशन थी लेकिन उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड था वो इतना वीक था कि उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, एक को हमने निग्लेक्ट कर दिया, तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड में किसी किस्म का कोई कंट्रीब्यूशन बनता ही नहीं। यानी एक मैग्नेट अगर अपने मैग्नेटिक फील्ड रखता है तो उसकी रीजन उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस नहीं हो सकता। गॉट इट? तो ये देखिए जी, मैंने रिजल्ट लिख लिया। एज अ होल वी कैन से दैट न्यूक्लियस हैव नो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन एटम। तो हमारे पास जो एटम के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी जो मैग्नेट्स होते हैं ना, वो मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी रीजन न्यूक्लियस नहीं है। तो एटम के अंदर दो हमारे पास चार्जेस मौजूद थे, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस इज नॉट टेकिंग एनी पार्ट इन प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह कौन होगा? तो बाकी इलेक्ट्रॉन बचता है। नेक्स्ट बोर्ड पे अब हम देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में। तो आइए सर चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रॉन का कितना रोल है। तो अब हमारे पास हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं कि मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। आइए हम इलेक्ट्रॉन में भी वही बातें अज्यूम करते हैं कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ की तरह, जैसे अर्थ सन के ऑर्बिट में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, तो ऑर्बिटल मोशन कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और फिर हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन कर रहा है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम कैन अराइज फ्रॉम टू मोशंस, एक तो ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। Each electron orbiting the nucleus behaves like an atomic size loop of current. अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है ऑर्बिट में, तो ये तो आपके पास वो करंट लूप ना बन गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। बस ये है कि उसमें बेतहाशा इलेक्ट्रॉन्स एक करंट लूप में मूव कर रहे थे, लेकिन यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये छोटे लेवल पर एटॉमिक लेवल पर एक करंट लूप या करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ठीक है। तो ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक एन एटॉमिक साइज लूप ऑफ करंट, ठीक है ना, that generates a small magnetic field. This situation is similar to the field created by the current loop. और उसका जो magnetic field होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जो हमारे पास एक current carrying loop का magnetic field था, उसके similar होगा, ठीक है। तो इसका मतलब orbital motion of electrons तो magnetic field generate करता है, ठीक है। अब spin motion of electrons जो हमने देखा वो भी generate करता है। Each electron possesses a spin. अच्छा, ये स्पिन जो है ना, अब क्योंकि आपके लेवल पर हम बता नहीं सकते, तो आपके लेवल पर स्पिन का मतलब यही होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर इस तरह से मूव कर रहा है जैसे स्पिन कर रहा है, जैसे लट्टू स्पिन करते हैं अपने एक्सिस पर। लेकिन ये बात थोड़ी सी दुरुस्त नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में आगे चल के आप पढ़ेंगे कि स्पिन का मतलब यहाँ कुछ और होती है, एक इंट्रिंसिक स्पिन होती है, यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो आप उसको उसी तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक्सिस पर इस तरह से स्पिन कर रहा है तो ये भी तो मोशन ऑफ चार्ज हुई ना, इसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। Each electron possesses a spin that also give rise to a magnetic field. तो उसमें से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखें रिजल्ट क्या निकला, न्यूक्लियस का रिजल्ट ये था कि न्यूक्लियस कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि उसकी ऑर्बिटल मोशन होती नहीं है, स्पिन बहुत कम होती है, तो उसका फील्ड निग्लेक्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मोशन उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब एक मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, जनरेट कर रहा था, जैसे लोहा है तो उससे बना वो जो मैग्नेट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, उसकी वजह एटॉमिक लेवल पर, क्योंकि न्यूक्लियस तो हो नहीं सकती, तो फिर कौन रह जाती है? इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की कौन वजह है असल में? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिज्म इज देयरफॉर ड्यू टू
तो मैग्नेटिज्म की फिर वजह क्या बच गई? ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दरअसल में हु इज रिस्पॉन्सिबल? इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द न्यूक्लियस एंड इज दस अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वजह क्या बनी? इलेक्ट्रॉन, और दुनिया के हर एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे है ना? तो हर एटम में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो हर एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मैग्नेटिज्म की वजह बन होगी। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिज्म है ये चंद एक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी। वजह क्या बनी हर सब्सटेंस की? क्यों है प्रॉपर्टी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिज्म आ रहा है और इलेक्ट्रॉन हर सब्सटेंस में मौजूद होता है, ठीक है? दस द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रॉन। फिर मैग्नेटिज्म की जो असल सोर्स है, जो वजह है, वो कौन हुआ एटम के अंदर? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, पहले बता चुका हूं। अब सर देखते हैं मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि हर जगह पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद होंगे हर एटम में, और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल मोशन से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे और स्पिन मोशन से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि अगर हर जगह पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है दो तरीके से, तो कुछ चीजें हम देखते हैं मैग्नेट्स होती हैं, कुछ चीजें मैग्नेट्स नहीं होती। तो फिर ये क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन दो तरह से, जो हमारे पास मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन से। कभी कभार स्पिन और ऑर्बिटल मोशन दोनों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम में एज अ होल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक एटम के अंदर मौजूद जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक दूसरे को कैंसिल करने के बजाय सपोर्ट करेंगे, और फिर हमारे पास एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगा। तो ऐसी सूरत में जब बच जाएगा तो हमारा जो एटम है वो एक छोटा सा मैग्नेट बन जाएगा, एटम एक छोटा सा मैग्नेट बन जाएगा। अब हजारों एटम जब छोटे छोटे मैग्नेट होंगे तो फिर आपके पास पूरा मटेरियल भी मैग्नेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल है बेसिकली, ठीक है? तो देखिए, द नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम, यानी कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है? इज ड्यू टू द कंबाइंड फील्ड क्रिएटेड बाय देयर ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन। वो डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल और स्पिन मोशन जो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं उनका कुल मिलाकर अफेक्ट क्या हो रहा है, या वो कैंसिल कर रहे हैं या वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? Since there are a number of electrons in an atom, their currents or spins may be so oriented or aligned as to cancel the magnetic effects mutually or strengthen the effects of each other. ये भी मुमकिन है कि atoms एक दूसरे के जो magnetic field है उनको cancel करे, और ये भी मुमकिन है कि strengthen करे, ठीक है? Strengthen का मतलब support करे। An atom, ऐसा atom in which there is a resultant magnetic field, जिसमें वो cancel ना करे, ठीक है? Support करे ताकि कुछ magnetic field बच जाए, behaves like a tiny magnet and is called a magnetic dipole. तो वो atom एक छोटा सा magnet बन जाएगा, और जब एटम एक छोटा सा मैग्नेट बन गया तो आप देखते हैं कि एटम में अगर एक तरफ नॉर्थ बनेगा तो फिर दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली साउथ भी बन जाएगा, ठीक है? यानी ये आपका एटम है जो एक छोटा सा मैग्नेट बन रहा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने पहले आप लोगों के सामने बनाया था वो अब एक एटम के दरअसल में मौजूद है, ठीक है? तो याद रखिएगा, यहां से हमें एक और बात पता चलती है कि साउथ क्या है। साउथ सिर्फ नॉर्थ की ऑपोजिट साइड है, और नॉर्थ के ऑपोजिट कोई ना कोई साइड तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब हमारे पास जब भी नॉर्थ होगा साउथ उसके साथ होगा, यानी साउथ को नॉर्थ से जुदा करना मुमकिन नहीं है। आइसोलेटेड नॉर्थ, यानी एक ऐसी चीज बना जिसमें सिर्फ नॉर्थ हो, ये मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसी चीज बनाए जिसमें सिर्फ साउथ हो, ये मुमकिन नहीं है। नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो कंक्लूजन क्या निकला? एक्सेप्टिंग दिस व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म, अगर इस मैग्नेटिज्म के व्यू को हम देखें, इट इज कंक्लूडेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन एन आइसोलेटेड नॉर्थ। तो आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, अकेला नॉर्थ पोल होगा, ये मुमकिन नहीं है। द नॉर्थ पोल इज मेयरली वन साइड ऑफ अ करंट लूप। तो अगर हमारे पास हम देखें मैग्नेटिज्म किस वजह से आ रहा है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन से आ रहा है, ठीक है? तो करंट लूप की वजह से आ रहा है। तो अगर उसके एक तरफ नॉर्थ बनता है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगी, ठीक है? तो नॉर्थ पोल इज मेयरली वन साइड ऑफ करंट लूप, द अदर साइड विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एज अ साउथ पोल। एक साइड अगर नॉर्थ है तो दूसरी ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगी, एंड दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको अलग नहीं किया जा सकता। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल रियलिटी, और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हमने बार बार ऐसा चेक किया और हर दफा हमने देखा कि साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के बगैर अलग अलग नहीं रह सकते। जहां साउथ होगा वहां नॉर्थ होगा, जहां नॉर्थ होगा वहां साउथ होगा। इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिज्म के लिहाज से हम सॉलिड की कितनी कैटेगरीज कर सकते हैं, पैरा मैग्नेटिज्म क्या होता है, डाय मैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरो मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो ये हम जानेंगे इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।